जब टीवी खरीदने की बात आती है तो काफी लोग 32 इंचेस का जो टीवी है वो खरीदना पसंद करते हैं। दो कारण है, एक तो कॉम्पैक्ट होता है और दूसरा ये कि काफी लोग इसे एज अ पर्सनल टीवी की तरह उपयोग करते हैं एक अलग रूम में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 32 इंच टीवी के बारे में बताने वाला हूँ। ये है सोनी ब्रेविया का स्मार्ट LED टीवी। इसकी खासियत ये है कि ये एक्स रियलिटी प्रो डिस्प्ले इंजन के साथ में आता है। इसमें बिल्ट इन वूफर भी है। क्योंकि ये स्मार्ट टीवी है, इस पर आप YouTube भी प्ले कर पाएंगे और ये एक्स प्रोटेक्शन प्रो के साथ में आता है। ये खास इंडियन कंडीशन के लिए बना हुआ है, मतलब कि डस्ट, लाइटनिंग सर्ज और ह्यूमिडिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। ये लीजिए, बॉक्स को मैंने खोल दिया है। तो ये देखिए, बॉक्स में आपको ये टीवी मिलेगा 32 इंचेस का। वैसे टीवी की क्वालिटी एकदम प्रीमियम किस्म की है, लेकिन अगर आप स्टैंड को देखें, ये देखिए, ये जो स्टैंड है यूनिक किस्म का स्टैंड है और इसकी क्वालिटी भी एकदम प्रीमियम किस्म की है। तो बॉक्स में आपको ये स्टैंड मिलता है और अगर आप चाहें तो ये जो टीवी है इसे वॉल माउंट भी कर सकते हैं। बॉक्स में ये पावर कॉर्ड दिया हुआ है और इंटरेस्टिंगली ये अडैप्टर दिया हुआ है और इस अडैप्टर का ये जो पॉइंट है इसे आपको टीवी में डालना है। कुछ स्क्रूज दिया हुआ है स्टैंड को लगाने के लिए। क्विक सेटअप गाइड भी बॉक्स के अंदर आपको मिलता है। यूजर मैनुअल है और साथ में 2 AAA बैटरीज भी दिया हुआ है। जो रिमोट है उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये देखिए, बॉक्स में आपको ये रिमोट भी मिलता है और ये एक खास किस्म का रिमोट है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पीछे से ये टीवी इस प्रकार का दिखता है। ये देखिए, यहाँ पर DC इन का पोर्ट है, RJ45 पोर्ट भी पीछे की तरफ दिया हुआ है, ऑडियो वीडियो इन के लिए यहाँ पर पोर्ट दिया हुआ है और इस साइड पर एंटीना पोर्ट है, ऑडियो जैक दिया हुआ है, HDMI पोर्ट है, 2 HDMI पोर्ट दिया हुआ है और 2 USB पोर्ट्स दिया हुआ है। देख सकते हैं कि जो स्पीकर्स है वो नीचे की तरफ है और टीवी के पीछे ही मैनुअल बटन्स दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, स्टैंड को मैंने लगा दिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही मजबूत किस्म का स्टैंड है। आगे से ये टीवी इस प्रकार का दिखता है। ओवरऑल इसकी बिल्ड और फिनिशिंग काफी बढ़िया है, मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आता है। यहाँ पे देखिए, मैट ब्लैक फिनिशिंग दिया हुआ है और ऊपर ग्लॉसी फिनिशिंग दिया हुआ है जिससे इस टीवी को एक यूनिक लुक मिलता है। ये टीवी काफी स्लिम है, साइड से अगर आप देखें तो इस प्रकार का दिखता है। मॉडल नंबर है W62G। ये HDR सपोर्ट करता है, आप इस पर PS4 गेम्स खेल पाएंगे। इसके अलावा आप इस पर YouTube, Prime Video और Netflix भी प्ले कर पाएंगे। ये लीजिए, इसे मैंने स्विच ऑन कर दिया है और सबसे पहले मैं इसका इंस्टॉलेशन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये है सोनी स्मार्ट टीवी का UI और यहाँ पर आप देख सकते हैं YouTube और Netflix के जो रिकमेंडेड वीडियोज है यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा नीचे देखिए एप्लीकेशन का ऑप्शन है और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे प्राइम वीडियोस है, सोनी ले, वूट, ऑल बालाजी वगैरह वगैरह। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इस टीवी में आपको USB पोर्ट्स मिलते हैं और अगर आपके पास पेन ड्राइव है जिसमें गाने हैं या म्यूजिक है या फोटोज है तो आप USB पोर्ट में डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको वो सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास वीडियोज है USB पेन ड्राइव में तो आप टीवी के पीछे तो USB पोर्ट है उसमें डाल सकते हैं और जो वीडियोस है उसे प्ले कर सकते हैं। इस रिमोट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इस रिमोट को आपके सेटअप बॉक्स के साथ में भी उपयोग कर पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर STB बटन दिया हुआ है और ये जो रिमोट है इसे आपके सेटअप बॉक्स का जो रिमोट है उसके साथ में प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, उसके बाद में इस रिमोट को आप उपयोग कर पाएंगे आपके सेटअप बॉक्स को कंट्रोल करने के लिए और ये जो टीवी है इसे भी आप इस रिमोट के जरिए कंट्रोल कर पाएंगे। ये देखिए, जो स्टैंड है इस पर ये छोटा सा फ्लैप दिया हुआ है जिससे आप जो केबल है उसे अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो DC इन का केबल है उसे मैंने यहाँ पर इसके अंदर से डाल दिया है। तो मान लीजिए यहाँ पर आप USB केबल का उपयोग करते हैं या फिर HDMI केबल का उपयोग करते हैं तो जो केबल है उसे आप यहाँ से पास कर सकते हैं। इससे जो केबल है एक तरह से नीट भी लगेगा और केबल मैनेजमेंट भी हो जाता है। इस टीवी में बिल्ट इन वूफर है जो आपको बहुत ही बढ़िया बेस इफेक्ट देने वाला है। इसके अलावा क्लियर ऑडियो प्लस भी सपोर्ट करता है। क्लियर ऑडियो प्लस एनेबल करने के बाद जो डायलॉग्स है वो आपको और भी क्लियरली सुनाई देंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें एक्स रियलिटी प्रो डिस्प्ले इंजन का उपयोग किया गया है जिससे आपको पिक्चर क्वालिटी एकदम बढ़िया किस्म की मिलने वाली है। चाहे आप DTH का उपयोग कर रहे हैं या फिर YouTube वीडियोस का उपयोग कर रहे हैं, Netflix देख रहे हैं या फिर कोई भी कंटेंट इस टीवी पर देख रहे हैं। ये टीवी खास करके उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके पास सेटअप बॉक्स है, वो सेटअप बॉक्स के कंटेंट्स भी देखना चाहते हैं और साथ में
जो स्मार्ट फीचर्स है टीवी पर वो भी चाहते हैं, जैसा कि यूट्यूब देखना चाहते हैं या फिर नेटफ्लिक्स के वीडियोस देखना चाहते हैं, अमेजॉन प्राइम के वीडियोस देखना चाहते हैं, और एक रिमोट से वो टीवी को एक्सेस कर सकते हैं, टीवी के स्मार्ट फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, और वही रिमोट का उपयोग करके वो सेटअप बॉक्स को भी एक्सेस कर पाएंगे। इस सोनी ब्रेविया टीवी का मॉडल नंबर है 32W622G। ये टीवी स्मार्ट सर्च फीचर के साथ में आता है। देख सकते हैं कि मैंने मैट्रिक्स सर्च किया हुआ है और इसने यूट्यूब पर बता रहा है कि मैट्रिक्स मूवी है और मैट्रिक्स का जो भी कंटेंट है आपको यूट्यूब में मिलेंगे, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यूएसबी, अगर आपने इस टीवी में जो यूएसबी पोर्ट है उसमें आपने यूएसबी पेन ड्राइव डाला हुआ है जिसमें शायद मैट्रिक्स मूवी है या मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी कॉन्टेंट है, तो यहाँ पर आपको वो दिख जाएंगे। इतना ही नहीं, इंटरनेट पर भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट ब्राउजर पे वो भी यहाँ पर सर्च के माध्यम से मिल जाएंगे। तो अगर आपको ब्राउजर पे चेक करना है तो ये देखिए, इस प्रकार से आप ब्राउजर पे जा सकते हैं और यहाँ से ये डायरेक्टली मैट्रिक्स जो आपने टाइप किया था वो आपको कंटेंट दिखा देगा, तो आपको फिर से ब्राउजर में टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टीवी की एक और खासियत ये है कि ये यूएसबी टीथरिंग सपोर्ट करता है, मतलब कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो जो स्मार्टफोन है उसे आप इस टीवी के पीछे जो यूएसबी पोर्ट है उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, आपका जो स्मार्टफोन है वो चार्ज भी हो जाएगा और साथ में आपके स्मार्टफोन में जो डेटा है आप उसका इस टीवी पर उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास वाईफाई नहीं है या वाईफाई कुछ कारणवश काम नहीं कर रहा है तो आप मोबाइल डेटा का उपयोग कर सकते हैं इस टीवी पर, आपको सिर्फ आपका जो स्मार्टफोन है उसे यूएसबी के जरिए इस टीवी के साथ में कनेक्ट करना है। इस टीवी पर अगर आपको ऑनलाइन कंटेंट देखना है तो मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनेट कनेक्शन है बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही फास्ट है। ये देखिए टीवी पर डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है यूट्यूब और नेटफ्लिक्स के लिए, मैं नेटफ्लिक्स पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए अब ये नेटफ्लिक्स शुरू हो गया है। पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। ये देखिए इस पर लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है, 30 वॉट का साउंड आउटपुट है, मतलब कि जो साउंड आउटपुट है काफ़ी लाउड है। आमतौर पे जो टीवीज़ होते हैं उसमें 20 वॉट का आपको आउटपुट मिलता है, यहाँ पर आपको 30 वॉट्स का आउटपुट मिल रहा है और जो स्क्रीन है ये HD रेडी है, 32 इंचेस का स्क्रीन है। ये देखिए पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और व्यूइंग एंगल्स की अगर बात करें तो ये देखिए व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी इम्प्रेसिव है ये दूसरे एंगल से। तो दोस्तों ये है सोनी ब्रेविया स्मार्ट टीवी, इसकी कीमत है तकरीबन 26,000 रुपीज़ के आसपास। ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये स्मार्ट टीवी आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।